बाबा जी हम दिल्ली से आ रहे हैं। उसको छोड़ो, पहले आप बताओ क्या पियो क्या खाओगे। कुछ नहीं, हम बस देखने आए हैं। लंगर चल रहा है महाराज का जी। दूध पियोगे या श्रद्धा छकोगे या प्रसाद छकोगे बताओ। अगर हम ये ड्राई फ्रूट खाएंगे तभी ऐसी ठंड में हम डट पाएंगे। अगर ड्राई फ्रूट खाएंगे नहीं तो डटेंगे कैसे। ये तो है नहीं कि महलों में बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जुटे हजारों लोगों के लिए खाने पीने का माकूल इंतजाम है। यहाँ करीब 50 से ज्यादा लंगर चल रहे हैं जहाँ किसानों को खाना, दूध, कॉफी और ड्राई फ्रूट्स दिया जा रहा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से भी लोग सेवा देने आ रहे हैं। यहाँ वे सब्जियाँ तैयार करने के लिए प्याज, लहसुन और सब्जी काटने जैसे कामों में अपनी सेवा देते हैं। बाकायदा रोटी मशीन से तैयार की जाती है। एक घंटे का 1500 प्रसादा कटती है जी। 1500? हाँ जी, हाँ जी। और कितना आटा लग जाता होगा? हमारा डेली का 14-15 क्विंटल आटा लग जाता है। डेली का 14-15 क्विंटल? हाँ जी, हाँ जी, 1500 केजी। लोग अपने साथ बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं। बच्चे भी लंगर तैयार करने में हिस्सा लेते हुए दिखते हैं। कुछ लोग काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश भी बांट रहे हैं। जिस दिन से ये हमारा किसान यूनियन इकट्ठी हुई है उस दिन से ही ड्राई फ्रूट चल रहा है डेली। और ये हमारे बच्चे यूएसए में, ब्रदर और यूएसए में हैं, उन्होंने सेवा किया हुआ है। हम 4 क्विंटल ये फ्रूट ड्राई फ्रूट लेके आए थे। 4 क्विंटल यहाँ पर ही बांट के जाना है हमने। उसमें कोई भी ये ले सकता है, ये नहीं है कि किसान यूनियन वालों के लिए, ये सबके लिए है। ये जो आपने यूएस वाले अपने ब्रदर की बात, ब्रदर है हमारा, बच्चा है, बेटे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने फंड भेजे हुए हैं कि यहाँ सेवा करो। किसान ट्रैक्टर में खाने पीने का सामान साथ लेकर चले हैं। रात का खाना तैयार है और हजारों की तादाद में लोग पंगत में बैठकर साथ खाना खाते हैं, रोटी, दाल और सब्जी। गांव से हम लोग कल बच्चे ने गल्ला फोड़ दिया है भी, भाई पैसा ले जाओ, सेवा करो। रात के समय किसानों के लिए केसर युक्त दूध का भी प्रबंध होता है। बड़े भगोने में गर्म करके प्रतिदिन करीब 10 क्विंटल दूध की खपत होती है। अनुमानित तौर पर यहाँ करीब 20,000 लोग दूध पी जाते हैं। सुबह हम देते हैं मिस्सी रोटी, सरसों का साग और मक्खन और लस्सी, और उसके बाद हम दोपहर को देते हैं कॉफ़ी, उसमें देसी घी डाल के, ताकि हमारे किसान भाई मजबूत और स्ट्रॉन्ग बने। और रात को फिर हम 6 बजे ये केसर वाला दूध, छोटी इलायची, मोटी इलायची, इसमें छुहारे डाल के, और आप देख रहे हो शहद और देसी घी डाल के हम मतलब किसानों को मतलब सर्व कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में बुजुर्ग किसान आए हैं। दिन भर की थकान और फिर रात के खाने के बाद आपस में हंसी मजाक और गुफ्तगू करते दिखते हैं। सुबह होते ही किसान नई दिनचर्या में लग जाते हैं। किसानों के लिए नाश्ते का इंतजाम अलग अलग लंगरों में शुरू हो जाता है। कहीं पर लड्डू तो कहीं चाय, बिस्किट्स और रस। बड़े बड़े भगोने में दूध गर्म करने का काम शुरू हो जाता है। समूह में लोग पराठे और रोटी, बड़े बर्तनों में सुबह के लंगर का इंतजाम जोर शोर से आगे बढ़ता है। किसान स्वस्थ और मजबूत बने रहें इसके लिए वे ड्राई फ्रूट्स को पीस कर उसका लड्डू बनाते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं। किसान का यह लड्डू केंद्र सरकार के लड्डू पर कितना भारी पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हजारों किसानों का पेट भरते हुए लंगर उनके पीछे न हटने के लिए इरादे को मजबूत किए हुए हैं।